नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सलोनी सुमित शर्मा। रुख करते हैं देश प्रदेश की खबरों की ओर। शहर में हिंसा फैलने के बाद शांति वार्ता का दौर जारी रहा। दिन भर सर्किट हाउस में जिला प्रशासन एवं राजस्थान सरकार की ओर से धर्म गुरुओं को बुलाया गया और दोनों समुदाय के बीच वार्तालाप कर शहर में फिर से अमन चैन और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। राम स्नेही संप्रदाय के संत राम प्रसाद महाराज एवं शहर काजी शेर मोहम्मद मुफ्ती साहब के शांति वार्ता के लिए बुलाया गया। इस दौरान राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह तथा मंत्री बी डी कल्ला, प्रभारी मंत्री सुभाष सिंह और एडीजे लायन ऑर्डर क्राइम हवा सिंह घुमरिया सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि जोधपुर शहर की कर्फ्यू ग्रस्त 10 थाना क्षेत्रों में नेट संपूर्ण रूप से बंद रहा। क्षेत्र में शांति और सौहार्द माहौल बनाए रखने के लिए जोधपुर शहर में पूर्व रह कर गए उच्च अधिकारियों को बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर आदि क्षेत्रों से बुलाकर लोगों के बीच समझाइश की गई। पुलिस ने शहर के भीतरी क्षेत्रों में पैदल फ्लैग मार्च कर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की तथा किसी प्रकार की अप्रिय वारदात घटित नहीं हो इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और आरसीसी के जवान तैनात रहे। सर बताएं, आज मीटिंग हुई थी उसमें शांति माहौल की मीटिंग क्या निकल गया है? शांति समिति की बैठक में सभी लोगों से ये अपील की गई है कि जोधपुर का भाईचारा जग प्रसिद्ध है, कभी भी यहाँ पर किसी भी बात को लेकर कोई अशांति नहीं हुई और जो इसी कारण से कोई तनाव हुआ है तो उसको रोकने के लिए सब मिलजुल कर प्रयत्न करें, शांति सद्भाव व्यवस्था बनाए रखें, कौम एकता बनाए रखें। मैंने अपने जीवन में कभी भी ये नहीं देखा कि किसी मूर्ति के ऊपर कोई झंडा लगे और कोई कहता है मैं ये झंडा लगाऊंगा, कोई कहता है मैं वो झंडा लगाऊंगा। तो जिस किसी ने भी कानून को तोड़ा है वो सब गवर्नमेंट के पास उसके फुटेज आ गए हैं। जिसने कानून को तोड़ा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो निर्दोष है उनको छोड़ा जाएगा। सर कितने अभी तक लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं? जैसा मैंने आपको बताया था कि 133 व्यक्तियों को तो 151 में गिरफ्तार किया गया है जी। 12 FIR दर्ज हुई है जी, उसमें से 8 दर्ज प्रकरणों में गिरफ्तार हुए हैं और बाकी आगे कार्रवाई चल रही है। जैसे जैसे फुटेज और कैमरों में जो रीडिंग देख देख के वेरीफाई करके आइडेंटिफाई करके पुलिस कार्रवाई कर रही है। सर अभी जोधपुर में शांति का माहौल है, हम लोग अभी चक्कर काट के आए हैं पूरे शहरी इलाके में, ये इंटरनेट और कर्फ्यू से जोधपुर की जनता को निजात कब तक मिलेगी? जब प्रशासन ये समझ लेगा कि अब शांति व्यवस्था कायम हो गई है उसमें धीरे धीरे छूट दे दी जाएगी।